हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन आर्ट। और आज इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू दिखा रही हूँ, जो कि मैंने अपनी बैल्कनी से शूट किया है। जब हम ऊपर खड़े होते हैं तो मेरा गार्डन ऊपर से कैसे दिखता है। फ्रेंड्स, वॉल के ऊपर मैंने पोर्चो लगा के बास्केट्स रखी हुई हैं, 3 बास्केट्स रखी हुई हैं जो कि पिंक कलर की हैं और बहुत अच्छी ब्लूम कर रही हैं फ्रेंड्स। और मेरे गार्डन में मैंने 2 बड़े बड़े पाम के पेड़ लगा के रखे हुए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मेरे प्लांट्स हैं और एक मेरा चाइना पाम है जो कि अभी बहुत छोटा है। और नीचे की तरफ ग्राउंड में जो है, मैंने एक करेले की बेल लगा के रखी हुई है। और प्लांट्स पेड़ के जो आउटसाइड्स पे मैंने हेजेस वगैरह लगा के रखी हुई हैं। एक मेरी इसमें वर्बीना की जो है क्रीपर लगा हुआ है, जिसके ऊपर पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। और गार्डन में ही मैंने जो वाटर का जो जहाँ पे मोटर लगाते हैं उसकी जो रूफ़ है, उसके ऊपर में भी मैंने कुछ एक प्लांट्स का अरेंजमेंट किया हुआ है। इस वक्त उसके ऊपर भी मैंने जो फ्लावर की कुछ पॉट्स रखे हुए हैं, जिनके ऊपर पिंक कलर के और पर्पल कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं। तो उसमें एक पोर्चो का मॉसरोस का प्लांट है जिसके ऊपर पिंक कलर के हैं। 2 फ्लावर्स मेरे रेन लेके भी खुल रहे हैं। और इसमें जो है एक पर्पल कलर का भी एक प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट है। और इस तरह से मैंने अपने वॉल के ऊपर भी 1-2 जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं क्रिएचर्स के, एक एलिफेंट का और एक मैंने शंख का। और सामने से भी देखा जाए तो फ्रेंड्स, ये मेरे गार्डन के बिल्कुल जस्ट सामने जो है एक गुलमोहर का ट्री है, जिसके ऊपर ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं और बहुत बड़े बंचेस में फ्लावर्स आते हैं। किचन से भी देखिए, या बालकनी में खड़े होइए तो ये इसके ऊपर काफ़ी सारे फ्लावर्स आते हैं। तो एक बहुत अच्छा व्यू है, बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज नेचर का मतलब टच में रहना बहुत अच्छा लगता है। और ये ऊपर से मेरी जो है ग्रास है, जो कि अब रेनी सीज़न में ट्रिम करने के लिए तैयार हो गई है। और साइड्स पे भी मैंने कुछ अपने टोपियारीज में बना रही हूँ, जो कि मैंने इसमें लंटाना की टोपियारी लगा के रखी हुई है। और इसमें ही मैंने कुछ अपने लालसा के प्लांट्स की एक हेजेस लो हाइट में तैयार कर रही हूँ। और इधर भी जो है इस कॉर्नर पे एक मेरा लेमन का ट्री है, जो कि ये ऊपर से इसका व्यू आ रहा है। इसके ऊपर कुछ लेमन्स वगैरह येलो हो गए हैं और जो कि तोड़ने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और इस प्लांट के पास ही मैंने अपने एक पर्पल कलर की हेज भी लगा के रखी हुई है, लालसा की, जो कि कहीं ना कहीं गार्डन के अंदर एक कलर को ऐड करती है। तो कभी कभी हमें फ्लावर्स और कलरफुल प्लांट्स से अपने गार्डन में वेरिएशन क्रिएट करना चाहिए। ये था फ्रेंड्स मेरा ऊपर से ओवरव्यू। और जब मैं गार्डन की वीडियो शूट करूँगी, तब इसमें जो प्लांट्स अवेलेबल लगे हुए हैं वो उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता के चलूँगी। इसमें मैंने अपने एक सॉइल के अंदर मैंने अरीका पाम भी लगा के रखा हुआ है। सॉइल में इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ जाती है। वैसे तो ये धूप में लगा हुआ है, तो जब समर्स होती हैं तो उसकी लीव्स बर्न हो जाती हैं, पर जब सॉइल में हम लगाते हैं तो इनकी जो जब स्टम्स आती हैं, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ लेती हैं, काफ़ी थिक ग्रोथ लेती हैं। तो इस तरह से मैंने एक अरीका का भी अपने गार्डन में प्लांट लगाया हुआ है, ताकि जब ये बड़ा हो तो एक वॉल को पूरा कवर करे और थोड़ी सी लो हाइट मेंटेन करके रखे। और ऐसे ही मैंने अपने जो पाम हैं, पाम के ऊपर, बॉटल पाम के ऊपर मैंने अपनी मोनेस्टेरा या फिर मनी प्लांट जिसे कहते हैं, वो भी लगा के रखा हुआ, जो कि जिन्होंने अपनी रूटिंग प्लांट के ऊपर ही पकड़ रखी है और जिसकी बड़ी बड़ी लीव्स आ रही हैं। और उसमें से ही एक मैंने कटिंग ट्रिम करके अपनी सॉइल में उसको ग्रो किया, जिसके ऊपर भी बहुत बड़ी बड़ी लीव्स आ रही हैं। और इस तरह से ये वॉल के साथ अपना रूटिंग लेके और अपना एक बड़ी बड़ी लीव्स का इफ़ेक्ट गार्डन में देंगी। मनी प्लांट को ग्रो करने के लिए जितना अच्छा इसकी रूट्स को पानी मिलेगा, जितना अच्छा इनकी रूट्स को
जब हम इनको किसी भी के साथ भी सपोर्ट देके चलते हैं, चाहे मॉस्टिक में, चाहे किसी प्लांट के ऊपर, चाहे किसी वॉल में, जहाँ पे इनको मॉइस्चर मिलेगा वहाँ ये बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ेंगे। इनके लीव्स का एकदम साइज़ ही चेंज हो जाता है। तो इस तरह से मैंने अपने पेड़ पे और अपने वॉल पे भी मोनस्टेरा के कुछ प्लांट्स को पॉट लगा के रखा हुआ है, और जैसे जैसे ग्रो करेंगे वैसे वैसे वॉल को भी कवर कर लेंगे तो एक डिफरेंट सा लुक ले आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो मेरी बैल्कनी से के ऊपर से। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।